नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूँ संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आशुतोष कुमार विजेता, जो कि छात्र जदयू से जुड़े हैं। इनसे जानेंगे कई सवाल। सबसे पहला सवाल इनसे है कि नगर निकाय का चुनाव पहले चरण का हो गया, अब दूसरे चरण का होने जा रहा है, क्या कहना है? देखिए, हम लोग जहाँ पे अभी खड़ी है, ये हिलसा नगर परिषद के अंतर्गत आता है। इसमें चुनाव हो चुका है और ये पहला चरण का चुनाव था जिसमें हिलसा नगर परिषद था, और दूसरे जो नगर परिषद, नगर निगम या जितने भी जो भी आते हैं, जो बचे हुए हैं, उनका चुनाव 28 तारीख को है और वो कल ही है। और यहाँ तो बहुत अच्छे से चुनाव संपन्न हो गया, कैंडिडेट जीते, प्रत्याशी हर्षोल्लास बहुत हुआ, और अब उम्मीदें हैं कि जो जो वादे जो किए गए थे उस पर क्या नज़रें रहती है प्रतिनिधियों को, मुख्य पार्षद या पार्षद। क्या लगता है कि चुनाव जो जीत कर आए हैं बेहतर विकास कर पाएंगे? इस बार डायरेक्ट चुनाव था। देखिए, मैं ज़्यादा तो अवलोकन नहीं किया हूँ, लेकिन जितने भी हिलसा नगर परिषद के अंतर्गत में जितने भी प्रतिनिधि चुने गए हैं, वो जितने चुने गए हैं 90-95% युवा है और यंग है, और जितने भी एजेड थे या बुजुर्ग थे उन्हें जनता नाकारी है और युवाओं को एक बार मौका दी है। और काफ़ी प्रत्याशी जो खड़े थे नकार दिया गया है। कहा जाए कि हिलसा नगर परिषद के 26 वार्ड है, 26 वार्ड में 9 वार्ड पार्षद ऐसे थे जो भाग अजमा रहे थे, जिसमें 7 अपने पत्नी को अजमा रहे थे। वैसे में जिस वार्ड में खड़े हैं, वार्ड नंबर 16, वहाँ आप ही के परिवार में थे विजय कुमार विजेता जी, जीत हासिल किए। जी हाँ, पूरे नगर परिषद हिलसा की बात आती है तो पूरे वार्ड पार्षदों की बात आती है, उस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और सबसे ज़्यादा वोट लाए हैं और सबसे ज़्यादा वोट से जीते भी हैं, जो एक रिकॉर्ड है, बहुत खुशी की बात है। जो अभी चर्चा में चल रहा है कि देश में जो वैश्विक महामारी कोरोना है, लगातार बार बार आ जाती है, फिर एक बार चर्चा में आए कि फिर आने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, ये अपना वेरिएंट चेंज करके आते रहेगा, आने वाले समय में भी ये सब देखने को मिलेगा, बट इससे घबराने की कोई बात नहीं है। इस पर हम लोग, हमारी सरकार है जो पूरी दृढ़ता और पूरे जोर अपनी ताकत लगा के अपने इस पर काम कर रही है। हम लोग को इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ये आते जाता रहेगा और हम लोग को इससे बचाव करना है, मास्क पहनना है, और सब लोग को भी हम यही प्रेरित करेंगे, सब लोग मास्क पहनिए ताकि अपने जीवन को सुरक्षित रख सके। इन दिनों ठंड काफ़ी बढ़ गई है, सरकार भी 31 दिसंबर तक विद्यालय बंद रखने का निर्देश दिया है। हाँ, सरकार का गाइडलाइंस हम लोग को पालन करना चाहिए। जैसे कि विगत कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि ठंड सडन आ चुकी है, और हम लोग को बचाव के लिए अपना ऊनी वस्त्र पहनना चाहिए और ठंड से बचने के लिए। 8वीं वर्ग तक के बच्चे के लिए विद्यालय बंद कर दिया गया। हाँ, बच्चों को बहुत परेशानी होती है, छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हों, स्पेशल उनका गाइडलाइंस है कि, और वो अच्छा निर्देश है, बच्चों को घर पे ही रखें ताकि वो ठंड से बचें।